So the question is to test the manufacturing properties of 10 Newton steel balls. Each ball is released from rest and strikes 45 degree with the surface. If the coefficient is 0.8, determine the distance S. Okay, so this is what we need to find out, S. अब इसमें ना देखने का फर्क है, मतलब कि कुछ लोग तो सोचेंगे कि इंक्लाइन पर प्रोजेक्टाइल है, पूरी की पूरी आप वो निकाल लो, रेंज निकाल लो, रेंज निकाल के ये जो पॉइंट है, ये जो लेंथ है, माइनस कर दो. तो ऐसा भी सोचा जा सकता है, दिस इज़ वन, दिस इज रूट टू, ये 45 है, तो ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड. अगर मैं रेंज निकालूँ तो मेरे पास ये कहीं जाके यहाँ पे रेंज आएगी, ठीक है, ये एंगल भी 45 होगा. प्रॉब्लम ये, मैं तब भी ये नहीं निकाल सकता क्योंकि ये तो आर्क है, ठीक है. तो इसके लिए आपको सिर्फ इसको ऐसा सोचना पड़ेगा कि कहीं ये इस तरीके का प्रोजेक्टाइल तो नहीं है कि प्रोजेक्टाइल एक हाइट से आप छोड़ते हैं, कि मान लिया ये हाइट है 1 मीटर की, 1 मीटर, और ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल ऐसा ही तो है, ये ऐसे जा रहा है, एंड दिस इज द एंटायर रेंज दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है. और इस रेंज में से यू कैन रिड्यूस 1 सो दैट यू कैन गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है जी. बट इसके लिए मुझे चाहिए वेलोसिटीज इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, जिधर भी कम है ज़्यादा है, आई डोंट रियली केयर, ठीक है. तो अगर आप देखें जो इनिशियल वेलोसिटी है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, तो वी नॉट इस तरफ है ना, तो इसका एक कॉम्पोनेंट तो इस तरफ हुआ विच इज़ वी नॉट बाय रूट टू, और एक कॉम्पोनेंट इस तरफ हुआ विच इज़ अगेन वी नॉट बाय रूट टू. ये कॉम्पोनेंट अनचेंज रहेगा, ये कॉम्पोनेंट वापस आ जाएगा ई वी नॉट बाय रूट टू, यानी कि 0.8 वी नॉट बाय रूट टू. ये तो सबको मालूम है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के हिसाब से. अब मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ शिफ्ट करने का मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास एक वेलोसिटी तो है ऐसे, विच इज़ 0.8 वी नॉट बाय रूट टू, ठीक है, और एक वेलोसिटी है मेरे पास ऐसे, विच इज वी नॉट बाय रूट टू. मुझे चाहिए इधर एक्स और वाई में. अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट यहाँ निकालूँ तो ये 45 है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट उधर जाएगा वी नॉट बाय टू साइन 45, ठीक है, और इस तरफ एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा V नॉट बाय टू. ऐसे ही इस वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा 0.8 V नॉट बाय टू, और इस तरफ हो जाएगा 0.8 V नॉट बाय टू साइन 45 कॉस 45. यानी कि बॉल की अगर मैं x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल तो ux हो जाएगी मेरे पास में V नॉट बाय टू प्लस 0.8 V नॉट बाय टू, ठीक है जी. तो यानी कि ये हो गई 1.8 V नॉट बाय टू या 0.9 V नॉट. ये तो मेरी, अब बात करते हैं ये, चलो मैं आई कैप लगा रहा हूँ, याद है. अब यू वाई की बात करते हैं, नीचे ज़्यादा है तो नीचे ज़्यादा का मतलब है V नॉट बाय टू तो नीचे है और ऊपर है माइनस 0.8 वी नॉट बाय टू. तो ये तो हो गई मेरे पास 0.2 वी नॉट बाय टू या 0.1 वी नॉट बाय टू, और मैंने इसको जे कैप कर दिया विद माइनस साइन, ठीक है जी. तो मुझे तो यही चीज़ निकालनी है, यानी कि रेंज निकालनी है, तो टाइम और टाइम और टाइम से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये रेंज निकल आएगी, ये वाली रेंज जो भी कुछ है यहाँ पे, हम इसको ओ या जो भी कुछ कह रहे हैं, ये ए कह रहे हैं, वॉट एवर यू कैन से. तो पहले तो टाइम निकालते हैं कि टाइम, तो डिस्टेंस तो 1 मीटर है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू यू. यू कितना है 0.1 वी नॉट, ये सॉरी टू नहीं है, 0.1 इंटू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि 4.9 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है जी. यही आपकी इक्वेशन बनेगी जहाँ से आपको टी की वैल्यू निकालनी है.
तो पहले वी नॉट की वैल्यू निकालते हैं। वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो वी नॉट की वैल्यू मेरे पास आएगी, क्योंकि जी लिखा है, जी को 9.8 होना चाहिए। तो अगर आप वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो करोगे 2 × 9.8 × 1.5, विच शुड बी इक्वल टू 30 से थोड़ा सा कम, करीब करीब 5.42 मीटर्स पर सेकेंड। तो मेरे पास वी नॉट भी आ गया, ठीक है जी। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 4.9 टी स्क्वेड और प्लस 0.1, यानी कि 0.542 × t -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर टी की वैल्यू निकालें तो टी की वैल्यू बैठेगी -0.542 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, -0.542 का स्क्वायर प्लस 4 × 4.9 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 4.9। इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.4 सेकेंड्स के करीब आनी चाहिए, 0.42 0.43 आएगी। तो हम कहते हैं 0.4 सेकेंड्स आ गई। तो यानी कि इस बॉल को इस जगह से यहाँ आने में 0.4 सेकेंड लगे, पर इसकी एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 0.9 v0 है। तो यानी कि टोटल रेंज कितनी हो गई? टोटल रेंज हो गई मेरे पास में, अगर आप निकालें तो 0.9 × v0 कितना था आपके पास में? 5.42, ठीक है, इंटू टाइम है 0.4। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.9493 के करीब आएगा, ठीक है जी, 1.93। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी आपको जो भी ये बी ए जो चाहिए, बी ए शुड बी इक्वल टू 1.93 − 1, विच इज 0.93 मीटर्स। यहाँ तो आ गया। अब निकालना है कि इसकी जब ये टकराएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी कि आपको दो स्पीड चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल चाहिए और एक वर्टिकल चाहिए। तो अब आप ये लगा लीजिए कि जब बॉल यहाँ से चल के यहाँ पे आती है तो उसकी वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी। वर्टिकल स्पीड का मतलब है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल लीजिए, ठीक है जी। निकाल लेते हैं तो वी वाई तो हो जाएगी यू वाई। यू वाई मतलब ये था मेरे पास 0.1, 0.1 का मतलब 0.54, ठीक है, 54 और 2 प्लस GT प्लस 4.9.8 × 0.4, ठीक है जी। तो ये स्पीड कितनी हो गई ये आपको निकालते हैं हम, करीब करीब ही आनी चाहिए, वी वाई शुड बी इक्वल टू 4.5 के करीब आनी चाहिए, ठीक है। और वी एक्स तो आपकी सेम रहनी ही रहनी है, तो वी एक्स कितनी है आपके पास में? जो वी एक्स है, वी एक्स है आपके पास में 0.9 v0। सो आप 0.9 v0 कैलकुलेट करके वी एक्स स्क्वाड प्लस वी वाई स्क्वाड कर लो, दिस विल बी योर आंसर। मतलब इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट तो वही है कि अगर आप इसको ऐसा देख सके दैट दिस इज अ प्रोजेक्टाइल विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टन हाइट एच, अदरवाइज आई मीन द रीजन इज इट सेज इट इज 9.8, दैट्स हाउ इट हैज बिकम डिफिकल्ट, अदरवाइज इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन एंड दैट्स योर आंसर।